कबूतर तो मैंने आपको दिखा दिया जिसकी कोच फिर से वही। अच्छा चलो दिखाते हैं। तो भाई हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी भाइयों को, राम राम। तो गाइस दिल्ली पिजन लवर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम आ गए हैं छत पर और शाम के बज रहे हैं 6। तुम्हारा भाई आ गया अपनी छत का शौक लेके आप लोगों के लिए। कल जैसा मैंने आप लोगों को शौक दिखाया था और आप लोग माशाल्लाह उस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो भाई, इसी तरीके से बस रिस्पॉन्स देते रहो। तो भाई अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना शौक, सबसे पहले नरों का। और नरों में जो भाई कबूतर है ना मेरे, एक कबूतर के जो है कली फट गई। आपको जैसे पता है नई कली लाए हैं भाई, तो कबूतर नेट इसी वजह से मैंने लगा रखा है कि कबूतर की कली जो आती है ना, कबूतर उड़े ना तो अगर वो जोर लगाते हैं तो भाई कली वली फट जाती है, ठीक है, इसी वजह से नेट डाला जाता है। तो एक कबूतर की कली फट गई है, हमारा पीले गंडों का कबूतर है, एक लाल वन सा कबूतर है, काफ़ी अच्छा कबूतर है, उसकी कली फट गई थी। दोपहर में आया था पानी पिलाने, तो भाई मैंने देखा कि भाई खून खून सा हो रहा था। मैं कह रहा यार पता नहीं क्या बात हो गई, किस चीज़ का खून है। मैंने कबूतरों पे नज़र मारी तो भाई एक कबूतर की कली क्या देख लिया, बाहर निकल गया। अच्छा तो भाई जवान भाई चिल्ला रहा अंदर से कि एक बच्चा बाहर निकल गया, पापा जल्दी आओ देखो। हाँ वो छोटा, दो बच्चे हैं भाई, तो हमारा जो ब्रीडिंग सेटअप है उसमें दो बच्चे हैं। एक बच्चा बार बार कुंडी से बाहर आया था, मुझे ये डर रहता है कहीं उसे शेर ना मार दे, जो हमारा शेर का बच्चा है ना वो बहुत खतरनाक है। अगर उनने जिस दिन उस बच्चे पे नीचे जिस दिन उसने उस पर हमला कर दिया ना तो भाई उसे मार देगा, खूनम खान कर देगा भाई, ये चीज़ से डर लगा रहता है और वो यहाँ जाता है बार बार। तब आपको अभी ब्रीडिंग सेटअप पे दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा था उसकी जो कली फट गई है, तो भाई मैंने देखा खून खून हुआ है। फिर जब मैंने कबूतरों पर नज़र मारी तो मैंने देखा भाई एक कबूतर की बाजू में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो भाई उसी को दिखाता हूँ मैं आपको अभी कि कली फाड़ ली उनने। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो कबूतरबाजी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए डेली शौक लेके आऊँ अच्छा, ठीक है भाई, तो बस ये कोशिश रहती है। तो चलते हैं ब्रीडिंग सेटअप बाद में दिखाएंगे, पहले चलते हैं आपको कबूतर दिखा। देख सकते हो नेट लगा हुआ है छत पर और नेट भी जल्दी हटाएंगे। और ये जवान भाई कुछ दिखा रहे हैं। हाँ जवान भाई बताओ क्या, नहीं लोग बाद में खोलेंगे, सबसे पहले ये वाला साइड दिखाना अपना जो कबूतर के चोट लगी हुई है। चाबी ले आओ, चाबी क्यों रखी डब्बे पर रखी, जल्दी ले आओ। तो रिजवान भाई जा रहे हैं भाई चाबी लेने, दिखाते हैं भाई अभी आपको। लाओ सबसे पहले वो कबूतर दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक काम करो ईंट लगा दो जो कबूतर बाहर ना जा सके, यहाँ से कभी कबूतर बाहर निकल जाए। हटाओ मैं लगाऊँ, हटो मैं लगाऊंगा, हटो जल्दी हटो। नेटों का बड़ा लपड़ा यार, तो ये लगा दी मैंने ईंट। तो मैं अभी हाँ सबसे पहले जो है मैं आपको वही दिखाऊंगा भाई अपना कबूतर जिसके चोट लगी हुई है, उनने कली फाड़ ली, लड़ाई लड़ लिए होंगे भाई ये। अबे कहाँ फंस गई चाबी, चाबी कहाँ फंस गई। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, हटो ये देखो, सबसे पहले तो कुरीच का कमाल देखो, ये कैसे गंजा हुआ पड़ा कबूतर, ये कुरीच का कमाल है भाई, सारा कुरेज का दाना खा रहे हैं। सबसे पहले वो कबूतर दिखाऊंगा अभी, बाहर आने दो उसे, हल्के हल्के ही आ गया भाई। ये कबूतर है देखो लालबन, ये आया ना लालबन कबूतर, और इसकी कली फटी हुई है, अभी हाथ में लेऊंगा, जवान भाई से वीडियो बनवाएंगे और देखते हैं इसकी कौन सी कली फटी है, वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। हटो जवान, निकाल दो सारे कबूतर बाहर, निकालो लियाओ बाहर, लियाओ निकालो ना घुस के, पकड़ मत बेटा कली फट जाएगी इनकी, हट जल्दी हट। वो कबूतर पकड़ के दिखाता हूँ भाई अभी आपको जिसकी कली फटी है, अब थोड़ा सही है, दोपहर में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मैं इसे एक गोली दे गया था। लो वीडियो चालू है, वीडियो बनाना, तो मैं ही पकड़ता हूँ उस कबूतर को, यहीं खड़े होकर बनाना, आगे बताना बिल्कुल, यहीं खड़े रहना बस। पापा पकड़ लिया यार, पकड़ लिया, वहीं रहो वहीं रहो वहीं रहो। तो ये पापा ने पकड़ चुका है ये कबूतर भाई, ये देखो ये खून में हो रहा है भाई, रो दिखा दूंगा मैं, ये खून में हुआ भाई, खून बिल्कुल खून खान इसकी भाई, ये लास्ट की जो कली है ना, लास्ट की जो कली है वो फटी है इसकी, ये देख सकते हो, और बाकी कलियां जो है इसकी सब आ रही है,
ये पूनम खान हो रहा है। दोपहर मैंने इसे गोली गोली दे दी थी, ये थोड़ा सा अब सही है। तो ये कबूतर है भाई, और ये सारे हमारे जो है देख सकते हो नर खुले हुए हैं, ये सारे नर खुले हुए हैं भाई, हमारे जितने भी कबूतर हैं सब नर हैं ये। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कबूतर, आपको आपको हम दिखाने वाले ब्रीडिंग सेटअप, ब्रीडिंग सेटअप भी दिखाएंगे। सबसे पहले अपने नरों का शौक करा देते हैं इन्हें। और भाई आप लोगों को पता होगा मेरे छत पर एक कबूतर था जो 48 घंटों में आके उतरा था। कबूतर भाई 48 घंटों में जो कबूतर उतरा था, अगर आप लोगों को पता होगा भाई, वो कबूतर जो है हमारा बिल्ली ले जा चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्ली ले गई उस कबूतर को। वो कबूतर छत से अचानक गायब हो गया, पता नहीं नज़र कहाँ थी क्या था, कुछ पता ही नहीं चला। उस कबूतर को बिल्ली ले गई या क्या, जवान हमारा एक कबूतर जो था ना उसे बिल्ली ले गई, गायब हो गया वो कबूतर। सब अचानक था, 48 घंटों में उतरा था, आप लोगों को पता होगा। उस कबूतर को भाई बिल्ली ले गई, गायब हो गया बिल्कुल ही, पता ही नहीं चला उस कबूतर का गया कहाँ। और ये हमारे सारे नर खुले हुए हैं भाई। और तुम्हें हाँ, तो मैं इन्हें जो है दाना वगैरह डाल देता हूँ। हाँ वो बेटा हमारा एक कबूतर गायब हो गया बिल्कुल, मतलब उस कबूतर का यार पता ही नहीं चला वो कबूतर गया किधर, गायब ही हो गया बिल्कुल। बस जाल साफ करने अंदर घुसा था, जाल साफ करने अंदर घुसा था, बाहर आके देखा उस कबूतर पर नजर मारी, कबूतर ही गायब, पता ही नहीं चला। आप लोगों को हाँ, और आप लोगों को पता हुआ एक बार बिल्ली नेट लगा हुआ था पिछली बार, तो बिल्ली जब ये नए कबूतर लेके आया था तो बिल्ली इस कोने पर से आई थी और कबूतर लेके यहीं से वापसी निकली थी। मगर इस बार तो मैंने इसको यहाँ से भी ढक रखा है अच्छी तरीके से, मगर समझ में नहीं आ रहा गया का। तो मैं अब जो है भाई, वो कबूतर तो मैंने आपको दिखा दिया जिसकी कोच फिर से वही। अच्छा चलो दिखाते हैं। तो भाई अजवान भाई पीछे लगे हुए, ब्रीडिंग सेटअप दिखाओ पापा, ब्रीडिंग सेटअप दिखाओ। तो चलो मैं अब आपको जो है वो छोटे जवान कह रहा है शेर का बच्चा मार देगा। तो भाई अपने नरे इन्हें दाना डालेंगे। और सबसे पहले मैं आपको चलो ब्रीडिंग सेटअप का शौक करा देता हूँ। जवान पीछे लगा हुआ है कि पापा वो छोटू दिखा दो, छोटू दिखा दो। तो चलो छोटू ही दिखाते हैं अब आपको। हाँ हाँ, पटकी खा रहा है, मार रहा है क्या शेर? नहीं शेर नहीं मार रहा यार उसे, शेर बच्चों को नहीं मारता। ओहो कहाँ है, ओहो ये देखो भाई कहाँ आया भाई है। और इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, अगर ये शेर के हत्ते चढ़ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। शेर के हत्ते, ये चींटियां परेशान कर रही हैं इसे, पता नहीं बाबा ये चींटी लाल। हाँ उसे चींटियां परेशान कर रही हैं, हटियो मैं इसे ऊपर रखूं, चींटियां चढ़ रही हैं इसके। और पता नहीं नीचे आता क्यों है, आ रही है दिमाग खराब करता है। ये भाई देखो बार बार नीचे आ जाता है, चींटी काट रही है इसके कहीं ना कहीं। पापा कहीं इसके घोंसले में चींटियां तो नहीं है? हाँ ये भाई देख सकते हो, और हाँ ये भाई बार बार यहाँ जाता है, यहाँ पर, यहाँ से मैं उठा के से बार बार वहीं रखता हूँ। हाँ और इसमें भाई इसमें से बच्चे अच्छे निकलने वाले हैं। और इधर भी ये देखो दोनों इंडिया भी है, तीन के इकट्ठे करने शुरू कर दिए और इनने भी अंडे दे दिए माशाल्लाह। और एक बच्चा हमारा हो रहा कालू का, इसका एक बच्चा तो निकल आया है और एक बच्चा भी नहीं निकला। अपने बड़े भाई को मार रहे थे। तो भाई ये बार बार यहीं आ जाता है यार, मैं इसे निकाल के चेक करता हूँ। लेजवान तू वीडियो चालू कर, पीछे जा, वीडियो चालू है पीछे हो जा, बच्चा निकाल के ला रहा हूँ। तो बच्चा निकाल के लाने पापा, पता नहीं बच्चे में आज क्या दिक्कत है जो आ सकता है वो। इसका चींटी वीटी काट रही है कहीं ना कहीं, तू दूर रहे ना, दूर से बना वीडियो, वीडियो तो बन जाएगी। पापा चींटी चेक करो उसके, चींटी होंगी तो तू निकाल देना चींटी फीटी। क्यूट बच्चू भाई, देख सकते हो ये रहा बच्चा। पीछे और पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे से बना करे करो वीडियो जो दोनों आए। अब भी इसके कहीं ना कहीं चींटी काट रही है लग रहा है। पापा ये पैसे नहीं लुकुड़ा, ऐसे नहीं ऐसे लग रहा था साल में जैसे जैसे ये गाड़ी के नीचे आ गया हो। हाँ एक चींटी थी इसकी मैंने हटा दी,
अब वैसे कोई चीटी है नहीं। अब मत आइयो नीचे बिल्कुल भी। अब बिल्कुल भी नहीं आइयो। ये बाल बाल को चीटी पहचान कर। पापा एक और चीटी है क्या? पापा बड़े वाड़े के तू निकाल रही वो बड़े वाड़े के। चलो अब सही है भाई, इसके चीटी काट रही थी, अब मैंने हटा तो दिए तो एक आध चीटी थी, अब शायद अब नहीं है। तो बच्चू अब बाहर नहीं निकलना, हमने सब चीटी हटा दी, मैंने इसके चीटियां काट रही थी। तो ये भाई ब्रीडिंग सेटअप था हमारा, ये हमारा बच्चू था, अब काम काट रही है, अब नहीं है। पापा ये अब क्यों रुक रहे हैं? चीटी तो हट चुकी है, चल जा अपने ब्रीडिंग सेटअप। तो भाई रख दिया मैंने, कब खोल रहे हैं हम? मादी ने ये खुल गई भाई, मादी ने सारी अंडे पड़े, जाओ उठा के ले जाओ। तो भाई जवान भाई जा रहे हैं अंडे उठाने, जाल में बहुत सारे अंडे इकट्ठे आते हैं, और मादी ने भाई तकरीबन रोज़ाना ही अंडे दे रही हैं, पता ना कहाँ से लाती हैं इतने अंडे, धबा धब अंडों की बरसात हुई हुई है। कितने अंडे हैं? कितने अंडे हैं? दो और हैं, दो पहले दो फोड़ दो। तो भाई जवान भाई दोनों अंडे फोड़ेंगे, फोड़ दो दोनों अंडे, फोड़ दिए और लाओ निकाल के। तो और भी अंडे हैं भाई, और ये सारी मादी ने हमारी भाई जितनी भी खुली हुई है, मादी ने कम है नर ज्यादा है, छाट छूट के मादी ने यही बची है। तो ये दो अंडे और भाई, चार अंडे निकले हैं आज भी, आज भी चार अंडे निकले हैं जाल में से, फेंक दिए। चलो ठीक है, देखो जाल साफ करा था मैंने परसों, और हालत देखो जाल की दोबारा, इतने पर झाड़ रहे हैं, इतने पर झाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पर झाड़ रहे हैं। सिर्फ ये है कुरीच का कमाल, कुरीच खा रहे हैं दबा के, और पर झाड़ रहे हैं, नए पर लेके आ रहे हैं सारे। ये सारे आपको ऐसे दिखेंगे चमचमाते हुए, दो महीने बाद ऐसे दिखेंगे सारे तुम्हें चमचमाते हुए। छोटू की खुल जाएगी। तो भाई ये मादीने हैं, मादीनों का शौक कर लो भाई, ये सारी मादीने हैं। दो साल दो चार अंडे नहीं, दो दो अंडों को यही रख दिया करो। अच्छा जब ना, तो दिया करो। अच्छा देखो कहाँ फंस गई, मतलब गर्दन घुसानी जरूरी है, चाहे फंस जाओ गर्दन घुसानी जरूरी है। निकल, निकल गई। तो इन्हें दाना वाना डालते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग सेटअप वाले अपने कबूतर खोलते हैं, उनका भी शौक कराते हैं आपको, ठीक है। देखो भाई ये शिराजी, एक भाई पूछ रहे थे भाई साहिल भाई आपके पास शिराजी कितने? देखो एक शिराजी ये रहा, एक शिराजी हो रहा दो, और एक शिराजी और था वो शायद इसमें होगा, नर वालों में होगा, ठीक है। और माशाल्लाह जंगले तो हमारे पास बहुत सारे हैं भाई, जंगले जो हैं, जंगले बहुत सारे हैं हमारे पास। तो जंगले पाने क्या तुमने? हाँ हाँ, जंगले का उधर बहुत सारे हैं हमारे पास, जंगले। हाँ जवान भाई को भी कबूतरों की पहचान है, कौन सा क्या है सब बताते हैं जवान भाई, ठीक है। तो अब ये इनको दाना पाना खिला के उसके बाद दिखाते हैं आपको ब्रीडिंग सेटअप, ठीक है भाई। पापा खोलूं? खोल दो। तो गाइस ये खोल दिया अब हमने अपने जोड़ों वाले कबूतर, हट जाओ हट जाओ। ये भाई जोड़े वाले खोल दिए हमने सारे अपने, ठीक है। बाहर आ जाओ जवान भाई, बाहर आ जाओ। ये हमारा शेर, और वो हमारा चिंटू, और ये रहा हमारा कालू, और ये रही हमारी खाल। तो भाई हाँ भूखे हो रहे थे, ये भूखे हो रहे थे, फटाफट खा रहे हैं दबा दब। हाँ भाई क्या देख रहे हो तुम, क्या दिखा तुम्हें? एक तो इनमें चांदना बच्चा है माशाल्लाह, एक अपनी माँ की तरह इसमें चन्ना, और एक मेरे ख्याल से दोनों ही मेरे को वो लग रहे हैं मक्सी, मक्सी लग रहे हैं अपनी माँ की तरह। इधर तो अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख ही ना रहा।
पट्टा भी नहीं दिख रहा। इसमें से ही बच्चे निकलने वाले हैं, इन दो अंडों में से, चिंटू वालों में से निकलने वाले हैं बच्चे। हटो, हटो, चलो हटो, आओ बाहर, आओ बाहर। कुछ नहीं दिख रहा ना, हटे आओ। ये दाना खा रहे हैं अभी। इस आज का शौक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। आज की वीडियो कैसी लगी? क्या ब्लॉग का बना रहे हैं? ब्लॉग अब तो एंड कर दिया हमने वीडियो का। तो आज का शौक कैसा लगा? अपने नर भी दिखाए, मादी भी दिखाए, ब्रीडिंग सेटअप भी दिखाया। तो कैसा लगा आज का शौक कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है भाई। भाई एक हैदराबादी हमारा बाहर निकल गया और इसके तू बाहर बच्चा परिंदे भाई ये परिंदे 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 बाहर निकल गए। इसे अंदर कैसे लिया जाए? वीडियो आओ 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 ओ, चलो आ गई। शुक्र है भाई वाला हैदराबादी नहीं निकला, जो हमने पकड़ा था वो हैदराबादी बच गया। अगर वो निकल जाता ना परिंदे वो, और वो किसी का गर्दान है, क्योंकि जब कबूतर में दौड़ा रहा था ना वो जब लग कर आया था, और उससे मैंने परिंदे छोड़ लगाए। वो एक बार वो बाहर आ भी गया था, मगर मैंने उसे दाने से अंदर कर दिया। तो गाइज बताना ज़रूर आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तुम्हारा भाई कबूतरबाजी की वीडियो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी लाता रहता है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय।